हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सेशन में इतने एडवांस हैं लोग कि आवाज आ रही है कि नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, बट आंसर्स करे जा रहे हैं ए बी सी डी। बोला कर दो चारों में से एक तो आएगा जाएगा, क्या पता नन ऑफ दीज आ जाए यार। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है ना, एक्साइटेड होना चाहिए, नॉट फॉर क्विज, फॉर एवरीथिंग। जो भी जिंदगी में करना चाहते हो, लाइफ में जो भी पॉजिटिव करना चाहते हो ना, उसके लिए एक्साइटेड रहो। सर स्टडी में कैसे एक्साइटमेंट आए, एक्साइटमेंट आएगा ना तभी तो मजा आएगा करने में, बिकॉज मूवी देखने में बड़ा एक्साइटमेंट होता है, तो कितना अच्छे से तैयार होकर हम लोग जाते हैं, है ना। और वही एक्साइटमेंट अगर आप इसके अंदर लेके आएंगे ना, इसके मतलब स्टडी के अंदर, आप देखेंगे जिस तरह से मूवी सारी आपको लर्न हो जाती है ना, उसी तरह से ये बातें भी लर्न हो जाती हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ, आज के सेशन के साथ। अगर मेरा ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है, सबको सुन रहा है, तो फटाफट से बड़ा सारा वाई लिख दीजिए ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। बड़ा सारा वाई तो नहीं, लेकिन स्मॉल के अंदर वाई तो आ ही गया है, ठीक है, कैपिटल स्मॉल मैटर नहीं करता, बट यस आपने लिख दिया है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि पिछला जो मेरा वीडियो था उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, और उस प्यार के बदले में यूट्यूब का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर लगाया है। स्पेशल क्विज विन कैश जो था उससे यूट्यूब की साइड से हमें 2306 रुपए हमें मिले हैं। थैंक यू सो मच, बट ये हमारे पैसे नहीं है शायद यार, ये तो आप लोगों के है ना, बिकॉज आप लोग हमें देखते हैं तभी तो आते हैं। सो जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर नहीं दिया था, तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम इस वीडियो से आपको प्राइज नहीं, हम आपको एग्जैक्ट वो अमाउंट दे देंगे जो हमें पिछली वीडियो से मिलेगा। तो आज आपने हमें दिलवाए हैं ये 2300, हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट विनर को 500, सेकेंड विनर को 300, और बाकी जो विनर होंगे उनको 8 को 2200। आप काउंट करेंगे तो टोटल 2400 रुपी आपको देने वाले हैं। थंबनेल के ऊपर 2000 लिखा गया था, बट ये सब तो आपका यार हमारा नहीं है, तो ये जो आपने हमें लास्ट वीडियो से दिया हम आपको इस वीडियो के एंड में देने वाले हैं। हो जाइए रेडी, स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कोई कहता है मुझे दे दीजिए, नहीं आपके वीडियो देखने से नहीं आया, इन सब के देखने से आया, तो इन सबको दूंगा ना। ओके, सो बिना बातें के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, याद रखिएगा हर क्वेश्चन के साथ एक क्या है, हर क्वेश्चन के साथ एक स्कोर है जो आपको बताएगा वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए कितना रेलेवेंट है। तो 3 का स्कोर क्यों दिया गया, बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइबर क्रॉप। आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, लेकिन AFO RRB नबार्ड की बात करेंगे तो पूछने के चांसेस थोड़े से कंपैरेटिवली इसके कम हो जाते हैं। इनमें से कौन सी फाइबर क्रॉप नहीं है, बताइए सही उत्तर क्या आएगा। ओके, राइट आंसर की बात करेंगे तो सब लोगों ने आंसर लिखना शुरू कर दिया है, डी या फिर ई मुझे आंसर दिख रहा है। यस, आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन डी या फिर ए, एक आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कॉटन की बात करूं किसी को कोई भी डाउट नहीं है, अपने आप में सीड फाइबर के नाम से कॉटन जाना जाता है। मैं जूट और मेस्टा की बात करूं किसी को डाउट नहीं है, क्यों, क्योंकि जूट और मेस्टा जो है वो स्टेम फाइबर या फिर बास्ट फाइबर के नाम से जाना जाता है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट करते रहिएगा, मैं इसको रिविजन पर से भी चला रहा हूं कि आप लोगों का और रिवीजन हो और ये चीज आपको क्वेश्चन में काम आए, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर 20 सेशन मैंने लिए, मुझे नहीं पता मैं कितने लेने वाला हूं, जितना टाइम मिलेगा उतने लूंगा, 20 सेशन मैंने लिए ना, तो आप देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन आपको आपके कमिंग एग्जाम के अंदर दिखेंगे। सो जूट जो है और मेस्टा जो है ये स्टेम फाइबर है, कॉटन जो है वो सीड फाइबर है। डी अगर आप उत्तर लिख रहे हैं तो आपका उत्तर गलत हो चुका है, बिकॉज पाइनएप्पल और अगेव अगर आपने नाम सुना होगा, AGAVE, पाइनएप्पल और अगेव जो होते हैं ये दोनों के दोनों लीफ फाइबर होते हैं, ये भी फाइबर क्रॉप है। तो मतलब यहां पर जो ही उत्तर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर विल बी नन ऑफ दीज, ई विल बी द राइट आंसर।
मैं इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा इस पीपीटी का, बिकॉज मैंने हर क्वेश्चन के हिसाब से डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है ताकि आपको डिटेल भी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए। तो मैं राइट 3 बजे 21 अगस्त जो आज का दिन है, मैं इसको पीपीटी को पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कोई मेरी वीडियो बाद में देख रहा होगा तो 21 अगस्त को 3 बजे का मैसेज आके चेक कर लीजिएगा। आगे मूव करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कैनिबलिज्म की। कैनिबलिज्म में क्या होता है, मुर्गियां जो होती हैं एक दूसरे को खाना शुरू कर देती हैं, मारना शुरू कर देती हैं। सो कैनिबलिज्म इज द एक्ट ऑफ वन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज कंज्यूमिंग ऑल और पार्ट ऑफ अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज एज फूड। कैनिबलिज्म इज जनरली सीन इन द पोल्ट्री ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। कैनिबलिज्म में एक दूसरे को मारेंगी, एक दूसरे को खाएंगी, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? इज इट सोडियम NaCl या फिर जिंक या फिर कॉपर या फिर नन ऑफ दीज? क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी से ले दीजिए, स्पीडी आंसर दीजिए। A, B, C, D और E। ओके, ए और बी के साथ सब लोग जा रहे हैं, थोड़े से लोग ए और बहुत सारे लोग बी का इशारा मुझे कर रहे हैं। यस, अगर आप बी लिख रहे हैं तो आप इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर लिख रहे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, चाहे वो एनिमल डिजीज हो या फिर एंटो में तो इंसेक्ट आएंगे, या फिर प्लांट पैथो वाले डिजीज हो या फ्रूट और वेजिटेबल डिजीज, आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, बिकॉज आजकल हम लोगों ने एग्रोनॉमी सॉइल को बहुत पढ़ लिया है तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो सब कर लेते हैं, लेकिन यहां से आते हैं तो सब लोग कर नहीं पाते हैं। तो एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेक श्योर एंटो और पैथो को बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अडल्ट मेल गोट का जो उसे बक कहा जाता है, व्हाइल द अडल्ट फीमेल ऑफ गोट इज नोन एज, जो गोट का क्या है अडल्ट फीमेल है उसको क्या कहा जाता है? क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा? A, B, C, D, E। कुछ लोग बी लिख रहे हैं, कुछ लोग ए, कुछ सी, तो बहुत सारे लोग ई भी लिख रहे हैं। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या आएगा? A, B, C, D, E। ई अगर आप लिख रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज ये तो यार अडल्ट शीप वाले केस में होता है ना यार, शीप का जो अडल्ट है उसके केस में हम ईव यूज करते हैं फीमेल के लिए, यहां तो शीप नहीं, यहां पे बातें गोट की चल रही है। राइट आंसर की बात करेंगे तो यहां पे राइट आंसर आपको डो के साथ जाना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बहुत अच्छे से याद करिएगा। मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिटेल मैंने सारा डाला हुआ है कि अडल्ट मेल, अडल्ट फीमेल और मेल यंग जो होता है यानी यंग मेल उसको क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग स्पीशीज कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग और हॉर्स, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, the premium percentage to be paid by the farmer of the total cost of commercial and horticulture crop, जो commercial और जो horticulture crop है उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर में कितना परसेंट प्रीमियम देना पड़ता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करेंगे तो सारे लोग आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो स्कीम है जो क्या हुई थी, जो लाई गई है सारे के सारे क्रॉप्स को कवर करने के लिए, क्रॉप्स पे इंश्योरेंस देने के लिए। ये स्टार्ट कब हुई थी, क्या बता सकते हैं स्टार्ट कब होती है? ये सबको पता होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सोइंग से हार्वेस्टिंग के साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कवर करती है। कितने दिन तक के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस? अप टू 14 डेज तक के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ये कवर करती है। फेब 2016 के अंदर स्टार्ट हुई थी, लेकिन फेब 2016 ना लिख के खरीफ भी लिखा गया तो भी सही माना जाएगा। राइट, ओके, सो राइट आंसर की बात करते हैं। 1.5% प्रीमियम देना पड़ता है रबी के लिए, 2% देना पड़ता है खरीफ के लिए, जबकि यहां पे तो एनुअल और हॉर्टिकल्चर पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी 5%। आगे चलता हूं, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, तो जो लोग रिजल्ट चेक कर रहे हैं हमारे बच्चों का, प्लीज एक बात ध्यान रखिए, जो जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूं इनमें जो लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादा एक्टिव है, थोड़ा उनका ख्याल रखा जाए ताकि हम सही 10 लोगों को चूज कर सके, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जो 30 में से 30 आंसर करेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है वहां कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। मेरी कोई आप लोगों से दुश्मनी नहीं, आप सब लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन एनी हाउ 10 लोगों को सेलेक्ट करना है तो उस हिसाब से किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वेजिटेबल क्रॉप इज वेरी मच टॉलरेंट टू एसिडिटी, कौन सी क्रॉप है जो एसिडिटी को बहुत ज्यादा टॉलरेट कर लेती है, वेरी मच टॉलरेंट टू एसिडिटी। अगर यहां पे लिखा गया होता राइस तो आप भाग के आंसर बता देते, बिकॉज राइस जो है वो 4.5 और 5 के पीएच के आसपास बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन यहां पे राइस नहीं, यहां तो वेजिटेबल की बातें चल रही हैं, ब्रिंजल, टोमेटो, चिली, कैरेट या फिर पोटैटो। स्वीट पोटैटो तो एसिडिक सोयल में हो जाता है, लेकिन पोटैटो होता है कि नहीं ये आप जज कीजिए। राइट आंसर क्या आएगा, कुछ लोगों ने पोटैटो बना के भेज दिए हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है अगर आप पोटैटो लिख रहे हैं तो। यस राइट है ना, पोटैटो की बात करेंगे तो ये अपने आप में वेरी टॉलरेंट है, लेकिन सेम टाइम पे ब्रिंजल, टोमेटो, चिली और कैरेट की बात करेंगे ना तो ये किस में जाती है, ये आपकी चली जाएंगी किसके अंदर, मॉडरेट टॉलरेंट के अंदर। मॉडरेट मतलब कंपैरेटिवली कम टॉलरेंस दिखाती है, और लेस टॉलरेंट आपके सामने लिस्ट आपको दिख रही है, पीडीएफ सब लोगों को मिल जाए। ओके आगे मूव करें, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ वीट अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द प्लांट, वीट का जो पाउडरी माइल्ड्यू है ये प्लांट के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, लीफ, स्टेम, फ्लोरल पार्ट, बोथ ए एंड बी या फिर ऑल ऑफ दीज, क्या लगता है राइट आंसर यहां पे क्या आएगा। राइट आंसर की बात करें, ये पाउडरी माइल्ड्यू है यार, है ना, पाउडरी माइल्ड्यू की बात करें, फंगस से होता है ये और बहुत सारे प्लांट्स को अफेक्ट करता है। पाउडरी माइल्ड्यू जो होता है उसे आप लीव्स पे देख सकते हैं, स्टेम्स पे देख सकते हैं, उसके अलावा बाकी पार्ट पे भी देखा जा सकता है। तो ऑफकोर्स आप सही बोल रहे हैं, इंपोर्टेंस बहुत है ऐसे क्वेश्चंस की, आपको पहले मैंने बता दिया है, ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। क्विज का पर्पस मेरा ये भी है आपको समझा सकूं, क्या समझा सकूं कि पैटर्न किस तरह का परीक्षा में आता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए 5 की रेटिंग इसे दी गई है। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, पाउडरी माइल्ड्यू का डिस्क्रिप्शन भी लिखा गया है, कहेंगे तो एंटोपैथो के फ्री सेशन भी आपके यूट्यूब पे करवा देंगे, बट आज हम क्विज पे फोकस रहेंगे, इस पे नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The disease of tomato is characterized by severe stunting. Stunting मतलब suddenly growth का रुक जाना. Severe stunting of the plant with downward rolling and crinkling of the leaves. नीचे की साइड मुड़ जाएंगी, रोल हो जाएंगी. ये कौन सी डिजीज के सिम्टम है, लीफ स्पॉट, लीफ कर्ल, डैम्पिंग ऑफ पाउडरी माइल्ड्यू या फिर रूट रोट, क्या लगता है सही उत्तर क्या आएगा इस प्रश्न का, कौन सी डिजीज के सिम्टम आपको दिख रहे हैं, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कि पत्तियां जो है उनकी रोलिंग हो गई है, क्रिंकलिंग उनके अंदर आ गई है, तो राइट आंसर क्या आएगा। यस ऑफकोर्स राइट आंसर विल बी लीफ कर्ल, लीफ कर्ल के सिम्टम लिखे गए थे। आगे चलते हैं, डिजीज वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, द डिजीज ऑफ गुवावा, अमरूद के अंदर चलते हैं, अमरूद आपने खाया भी होगा। द डिजीज ऑफ गुवावा इज कैरेक्टराइज By yellowing and browning of leaves, क्या हो गया? Yellowing and browning leaves के अंदर आ गई है, discoloration of the stem and death of the branches along one side. कभी-कभी क्या होगा? The infection girdle the stem, stem के ऊपर girdling हो जाएगी and the whole plant may wilt, पूरा plant सूख जाएगा, leaf die and twigs, जो छोटी-छोटी है ना, twigs bark split, जो ऊपर उसके क्या है, bark छाल जो है वो split हो जाएगी, ये कौन सी disease के symptom है, fusarium wilt, fruit canker, stem canker, anthracnose या फिर red rust, जल्दी से आंसर बताइए सही उत्तर क्या आएगा। सब लोग जानते हैं कि रेड रस्ट तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, एंथ्रेक्नोज के भी सिम्टम नहीं है, स्टेम कैंकर की बात करूंगा तो जो बातें कर रहे हैं स्टेम कैंकर के साथ जाएगा नहीं, बचा क्या आपके पास, यस ए और बी, ए और बी में से सही उत्तर क्या आएगा, बी भी नहीं आएगा, फ्रूट कैंकर के सिम्टम नहीं बोल रहा यार, राइट आंसर यहां पर क्या आएगा, राइट आंसर विल बी ए, फ्यूजेरियम विल्ट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल और पपाया, इसी तरह का एक क्वेश्चन आपने देखा होगा इस साल आईबीपीएस एएफओ ने पूछा भी था, है ना, यहां पे पपाया की बात की गई है, पपाया का जो लीफ कर्ल होता है उसका वेक्टर जो वाहक हो जाएगा यहां से वहां लेके जाएगा, कोस्टल ऑर्गेनिज्म और वेक्टर ये सब वर्ड आपने पढ़े होंगे, सो वेक्टर कौन है, एफिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, लीफ होपर या फिर ये सारे के सारे, देखो भाई सारे तो हो नहीं सकते, बात बनेगी नहीं सारों से, तो ए बी सी डी में से आंसर बताइए राइट आंसर क्या आएगा।
राइट आंसर के साथ जाएंगे तो ए भी लिखा जा रहा है, सी भी लिखा जा रहा है, ए शायद आंसर नहीं आना चाहिए, वेक्टर की बात कर रहा है, सी के साथ मुझे लगता है आपको जाना चाहिए था। राइट आंसर यहां पे क्या आएगा, राइट आंसर विल बी व्हाइट फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे, व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ रिंग स्पॉट ऑफ शुगर केन। रिंग स्पॉट ऑफ शुगर केन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिंग स्पॉट ऑफ शुगर केन की बात करेंगे तो ज्यादा नुकसान तो नहीं करता है, इकोनॉमिकली डैमेज तो नहीं करता, किसको, आपके शुगर केन प्रोडक्शन ज्यादा कम नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन पूरे वर्ल्ड में यह पाया जाता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ए बी सी डी, राइट आंसर क्या आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो फटाफट से आंसर दे रहे हैं और मुझे लग रहा है मैक्सिमम आंसर जो है वो किसके साथ, बी और डी, बी और डी और सी, क्या लिख रहे हो यार, मिक्स चल रहा है, ई भी लिख रहे हैं, सी भी लिख रहे हैं, बी भी लिख रहे हैं, मेजोरिटी कहना मुश्किल है बिकॉज गलत और सही का कॉम्बिनेशन चल रहा है आंसर्स का। रिंग स्पॉट ऑफ शुगर केन की बात चल रही है तो आपको जाना चाहिए था किसके साथ, ये सब जाएंगे सी के साथ, है ना। रिंग स्पॉट ऑफ शुगर केन की बात करेंगे तो यहां पे आंसर क्या आएगा, लेक्टोस्फेरिया सैकेराइड जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी यहां पे राइट आंसर है। आप देख सकते हैं स्कोर इन क्वेश्चंस को 5-5 का दिया जा रहा है, आपको पता है स्कोर का मतलब है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रेलेवेंट है, तो इस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन करवाएगा ना तो वो करवाएगा जो सबका वीक होता है, कौन सा, माइनर या फिर एंटोपैथ, यही तो करवाते हैं। आगे चलते हैं, पोमेग्रेनेट की बात करें, पोमेग्रेनेट इज अ फेवरेट टेबल फ्रूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री, हार्ड सीडेड वैरायटी ऑफ पोमेग्रेनेट इज, सारे के सारे एग्जाम्पल यहां पर सॉफ्ट सीडेड के लिखे गए हैं एक को छोड़ के, तो सॉफ्ट सीडेड तो सारी ही है, हार्ड सीडेड कौन सी है, ढोलका, स्पेनिश रूबी, गणेश, ज्योति और वाडकी। राइट आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी ई, ओके ए लिखा जा रहा है, ढोलका, ये तो बहुत मतलब मैं बेकार बोलने वाला था, बेकार तो नहीं, इजी कहना चाहिए, है ना, इजी सा क्वेश्चन है, ढोलका सारे लोग जानते हैं यार, ये हार्ड सीडेड नहीं है भैया, सॉफ्ट सीडेड के अंदर है, ए इज मोस्ट रॉन्ग आंसर, गलत नहीं महा गलत कर रहे हो यार, क्योंकि ए तो सुना होगा आप लोगों ने यार, बाकी तो फिर मानता हूं कम सुने होंगे आंसर्स के। और स्पेनिश रूबी भी अपने आप में क्या है, सॉफ्ट सीडेड के अंदर जाएगी, ये भी उसी में जाएगा, ये भी, बट लास्ट वन जो है ई ऑप्शन वाद की, ये जो वैरायटी है आपकी ये किसके अंदर जाएगी, हार्ड सीडेड के अंदर, क्योंकि हार्ड सीडेड वैरायटी की बात करेंगे तो वहां पे मस्कर रेड, कंधारी और काबुल का नाम आपने सुना होगा, वो सारी की सारी हार्ड सीडेड है, नहीं सुना तो लीजिए, सुन लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन सारा का सारा दिया गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वन इज ओला इज अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन सी, आपने सुना होगा बारबेडोस चेरी, ओला कुछ फ्रूट है जो क्या है, अच्छे खासे सोर्स है वाइटामिन सी के, विच प्रोपेगेशन मेथड इज यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया फॉर ओला कल्टीवेशन, आंवला जो है इसकी कल्टीवेशन के लिए नॉर्थ इंडिया में कौन सा प्रोपेगेशन मेथड यूज किया जाता है। राइट आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी ई, पिछली बार मेरे क्वेश्चन के लिए आपने कहा था कि सर ये वाले इजी क्वेश्चन है, तो पॉसिबली आपके फीडबैक पे हमने वर्क किया है, आप देख रहे होंगे लेवल को रेज कर दिया गया, आज भी लग रहा हो आसान है तो बताइएगा, अगली बार और कर देंगे, क्योंकि हमें आप बस सिग्नल दीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं। तो पिछली बार से डिफिकल्ट अगर लग रहे हो तो परेशान मत होइएगा, जिन लोगों को नहीं आ रहे हैं अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। यहां पे आंसर आप सब लोग राइट दे रहे हैं, डी के साथ सब लोग जाना चाहते हैं, चलिए फिर डी के साथ मैं भी चलता हूं। राइट आंसर यहां पर जो आएगा ये क्या आएगा, पैच बडिंग इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे जाने से पहले आपको सारी की सारी डिटेल दे देंगे, फ्रूट क्रॉप कौन कौन सी हैं और उनके कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज पीडीएफ आपको मिलेगा आज 3 बजे, तो मेक श्योर कि आप इसको नोटबुक पे नोट करके और 3 बार रिवाइज करने वाले हैं, बिकॉज जिंदगी में याद रखिएगा आप पेपर में आंसर तो कर पाएंगे लेकिन 2 ही तरह के आंसर करेंगे, एक वो आंसर जो आपने पिछली रात पढ़े होंगे और एक वो आंसर जो आपने 4 से 6 बार रिवाइज किए होंगे, बिना रिविजन के सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज से पढ़ना स्टार्ट करो, एग्जाम तक 4 से 6 बार पढ़ के जाओ तभी आंसर आएंगे, 2 बार पढ़ी की चीजें भूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस मोर सिल्क, कौन सा स्टेट है जो ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है, यहां पे सिल्क मार्केट भी है, आपने नाम भी सुना होगा,
आपको पता है ना, पढ़ाते पढ़ाते बातें याद आ जाती हैं यार। मैं बेंगलोर घूमने के लिए गया था, किसी ने मुझे पागल बना दिया यार। वो बोला आपको बेंगलोर घुमाता हूँ, ऐसे चलो बोला सिल्क मार्केट लेके चलता हूँ। मुझे सिल्क मार्केट में लेके गया, वहां पे दो सिल्क की शॉप थी। मैं सिल्क मार्केट क्यों समझ के गया, मैं इंटरेस्टेड था देखने में यार के रीलिंग या फिर वो सब प्रोसेस कैसे होती है, कैसे रियल किया जाता है। वहां जाके देखा दो दुकानें हैं बस और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यहाँ क्या मैं साड़ी लेके जाऊँ, और साड़ी भी किसके लेके जाऊँ यार, है ना। ठीक है ओके, चलो राइट आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर मैंने बेंगलोर बोला है तो आप राइट आंसर तो पकड़ ही लीजिए, है ना। राइट आंसर क्या आएगा, यस राइट आंसर विल बी कर्नाटका। हाईएस्ट और लोएस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा स्टेट ज्यादा फिर उससे कम सिल्क प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिल्क से ही है। एरी सिल्क प्रोड्यूसिंग सिल्क वॉर्म, जो एरी सिल्क है उसका जो सिल्क वॉर्म है वो फीड करता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री लीव्स, कौन सी ट्री लीव्स पे वो क्या करेगा फीड करेगा, सोम, मलबेरी, असन, कैस्टर या फिर नन ऑफ दीज। क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा, एरी सिल्क किस पे, जैसे मलबरी सिल्क जो है वो मलबेरी पे क्या करता है सर्वाइव करता है, मूगा सिल्क जो है वो सोम और सुआलू पे करता है, तो सोम और सुआलू पे करता है, ये तो आएगा नहीं, ये भी आएगा नहीं। अब बच गया आपके पास दो ऑप्शन सी या फिर डी, बता दीजिए सही उत्तर क्या आएगा। सब लोग कह रहे हैं कि सही उत्तर डी आएगा, तो अब सब कह रहे हो तो गलत हो ही नहीं सकते हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, कैस्टर विल बी द राइट आंसर। बाकी डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया गया है, नोट कीजिएगा कौन 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 सा कंज्यूम करता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलेंगे। रिलिंग इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्ट, रिलिंग एक प्रोसेस होती है वो किस इंसेक्ट से रिलेटेड है। योर ऑप्शंस आर हनी बी, सिल्क वॉर्म, लैक, बटरफ्लाई और नन ऑफ दीज। क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा, ओके फटाफट से आंसर लिख दीजिए। रिलिंग जानते तो है ना क्या होता है, यह रीलिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या कहता है, जो कोकून्स होते हैं ना, कोकून्स को रील किया जाता है सिंगल थ्रेड निकालने के लिए। अब जैसे मैंने थ्रेड बोला यार अब तो समझ ही जाओ, है ना, थ्रेड का मतलब धागा हो गया ना, तो धागा भाई कौन निकालेगा, यस जो फाइबर होगा, और फाइबर कहां से आता है, यस फाइबर की बात करेंगे तो फाइबर आएगा, यार एक कॉल आ रहा है इसको अटेंड कर लो, 4 बजे की बुकिंग है, ओके सो सारे लोग जानते हैं आंसर क्या आएगा। आज संडे है, पिछली बार हमने 7 लोगों को बिठाया हुआ था आपका रिजल्ट चेक करने के लिए, आज थोड़े से कम लोग हैं, बट होप सो जजमेंट आप लोगों को सही मिलने वाला है। राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर विल बी सिल्क वॉर्म, ऑफकोर्स आप सारे लोग ठीक लिख रहे थे। क्वेश्चन 46 पे चलेंगे। व्हाट इज द मॉइस्चर परसेंटेज इन मशरूम, मशरूम के बारे में सारे लोग जानते होंगे क्या है मशरूम, ऑफ कोर्स आपको पहले से पता है मशरूम क्यों यूज किया जाता है, आप लोग जानते हैं। मशरूम रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो आपने सुना होगा डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च जो है डीएमआर कहां पे लोकेटेड है, यस बताइए जरा डीएमआर कहां पे लोकेटेड है, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च एक ठंडे से एरिया में है, मेरे बिल्कुल पास में है, मैंने कल ही पत्थर उठा के मारा था वहां जाके गिरा था, तो मुझे मशरूम रिसर्च सेंटर फोन भी आ गया था कहते क्यों मार रहे हो, तो मैंने कहा सॉरी सर गलती हो गई है, आप मुझे बता दीजिए कहां पे है। हाँ यस ऑफ कोर्स, है ना, ये कहाँ पे है, इट्स इन सोलन, सोलन कहाँ पे है, सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो राइट आंसर की बात करेंगे, मशरूम के अंदर मॉइस्चर पूछा गया था, राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 60-70%। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे। विच टिलेज इंप्लीमेंट रिक्वायर्ड मिनिमम ड्राफ्ट पर यूनिट विड्थ, ड्राफ्ट का मतलब होता है पुलिंग फोर्स, खींचना, किससे कम पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड है, प्लांटर, एमबी प्लाउ, कैरीफायर, डिस्क हैरो, डिस्क प्लाउ, देखिए प्लाउ की बात आएगी ना, प्लाउ को मिनिमम नहीं सर, प्लाउ को तो मैक्सिमम ड्राफ्ट चाहिए, बड़ा जोर लगता है खींचने में, तो प्लाउ तो आंसर आएगा नहीं, हैरो भी ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ड्राफ्ट लेके जाएगा। स्कैरीफायर क्या होता है भाई, स्कैरीफायर देखा कभी आपने, आप जब सोइंग करते हैं मिट्टी को लूज करते हैं लेकिन उसके ऊपर वो मिट्टी कंपैक्ट हो जाती है और ऊपर घास सी उग जाती है, तो जो ग्रास है जैसे थैच कहा जाता है, थैच थैच समझते हैं ना, THATCH, तो थैच जो होगा उसको डी थैचिंग करने के लिए, मतलब उसके ऊपर की लेयर को तोड़ने के लिए स्कैरीफायर यूज किया जाता है और ठीक ठाक ड्राफ्ट ये ले लेता है, लेकिन मिनिमम ड्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे राइट आंसर प्लांटर आ जाएगा। आपने देखा होगा खरीफ सीजन स्टार्ट हुआ है तो प्लांटर्स का यूज आपने होते हुए देखा होगा, तो सर जो प्लांटर्स है ना ये सबसे कम ड्राफ्ट लेके जाते हैं, और सबसे ज्यादा ड्राफ्ट की बात करूं तो यहां पे कौन लेके जाएगा, एक आपका डिस्क प्लाउ और दूसरा लेके जाएगा एमबी प्लाउ। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टिल इज व्हाट इज द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ क्लासिकल स्वाइन फीवर? 5 की रेटिंग क्यों दी गई है? क्योंकि वायरल डिजीज है, अभी अभी फैली थी, फिर से फैलना शुरू हो गई है, सेम टाइम पे लंपी स्किन डिसऑर्डर आ गया है, ह्यूमन के अंदर मंकी पॉक्स आ गया है, उससे पहले कोरोना फेस कर चुके हैं, वायरल डिजीज बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है, कंटेजियस है नेचर के अंदर, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, पता नहीं कौन सी डिजीज और क्या आएगा, बट क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्लासिकल स्वाइन फीवर जो स्वाइन का सुअर पिग का एक वायरल डिजीज है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, असम के अंदर बहुत सारे स्वाइन इससे मर गए हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि बीमारी का जो ऑर्गेनिज्म वो जो अंदर चला जाएगा, उसके बाद आपको सिम्टम दिखाएगा, तो वो सिम्टम दिखाने में कितना टाइम लगेगा उसके इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और क्लासिकल स्वाइन फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से लेकर 14, कोरोना भी तो ऐसा ही था, 2 to 14 days ले रहा था ना, सो 2 to 14 days ये ले सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आप कहेंगे सर के बाकी डिजीज का भी तो बता दो कितना होता है, तो आपके लिए सारी की सारी डिटेल यहां पे अवेलेबल है, याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा और अगले पेपर के लिए तैयार कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलूंगा। Why the buffalo milk appear white in color and not yellow? क्योंकि येलो कलर होता है cow milk का because of carotenoids. लेकिन यहां पे carotenoids की बात नहीं चल रही, यहां बात चल रही है buffalo milk के white होने की, और यहां क्या सील लिखा नहीं गया, तो क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा? लैक्टोज की प्रेजेंस के कारण, बीटा कैरेटिन की प्रेजेंस के कारण, या फिर बीटा कैरेटिन कन्वर्ट हो चुका है विटामिन ए में इसीलिए, या फिर रेयर फूड सोर्स है विटामिन डी का इसीलिए, या फिर इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसीलिए व्हाइट होता है। राइट आंसर की बात करेंगे, डी और ई तो आंसर हो नहीं सकता, दिख रहा है कि वो लॉजिकली कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन लैक्टोज के कारण हो सकता है, बीटा कैरेटिन का तो पीला होता है, तो ए और सी आपके पास बच गया, लैक्टोज कोई कलर उसे नहीं दे रहा तो सी बचता है, क्योंकि जो बीटा कैरेटिन है वो बफेलो की बॉडी पहले से विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है, इसीलिए उसमें कैरेटिन प्रेजेंट नहीं होता, तो कलर जो है मिल्क का पीलापन ना लेके वो कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन व्हिच डिसऑर्डर अकर्स इन पोल्ट्री एनिमल, एनिमल क्या दो, पोल्ट्री बर्ड क्या दो, पोल्ट्री बर्ड के अंदर कौन सा क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा राइबोफ्लेविन की कमी के कारण, ए बी सी डी, राइट आंसर लिखिए क्या आएगा राइट आंसर। राइबोफ्लेविन यानी आप इसे विटामिन बी टू भी कह सकते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होने वाला है? ओके, राइट आंसर की बात करेंगे, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी, उसके जो पैर होते हैं नीचे वाला मुड़ जाते हैं और उनके अंदर लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो हिसाब से राइट आंसर यहां पे क्या आएगा, कर्ड टो पैरालिसिस, इसके अंदर पैर उसके कुछ मुड़ जाएंगे, वो सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा, पैरों में लकवा मार जाएगा, और थोड़े टाइम बाद अगर ठीक नहीं हुआ तो एनिमल यानी बर्ड की डेथ हो जाएगी। यहां पे न्यूट्रिशन किसकी कमी होती है और उससे कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, लिस्ट आपके लिए दिए गए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मोकिंग, स्मोकिंग जानते हैं ना सारे लोग, यस ऑफ कोर्स, वो वाली नहीं ना, वो वाली मत करना यार, है ना, दूसरे वाली। स्मोकिंग टेक्निक रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, मशरूम कल्टीवेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, क्रॉप हार्वेस्टिंग, फिश प्रिजर्वेशन, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक। वैसे तो स्मोकिंग को मधुमक्खियां दूर करने के लिए भी किया जाता है, स्मोकर से धुआं मारा जाता है, मधुमक्खियां वहां से उड़ जाती हैं, लेकिन यहां पे एपिकल्चर का तो जिक्र ही नहीं आया। उसके अलावा बताइए किसका प्रिजर्वेशन करते टाइम हम स्मोकिंग को एज ए टेक्निक यूज करते हैं? राइट आंसर की बात करेंगे तो यहां पे राइट आंसर जो आएगा ये फिश प्रिजर्वेशन आएगा, उनको स्मोक से प्रिजर्व किया जाता है कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। अगर आपको लगता हो कि क्वेश्चन के साथ साथ समझाते भी जाया करो तब मेरी 30 क्वेश्चन की जो क्विज है वो लगभग 2 घंटे की हो जाएगी, बट मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं उस तरह से करूंगा, वरना जो मुझे ठीक लग रहा है मैं उस तरह से ऑलरेडी कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलेंगे। विच ऑयल केक इज यूज टू प्रिवेंट प्रीडेटरी फिशेस, प्रीडेटरी मतलब जो दूसरी बाहर की या फिर बड़ी मछलियां खा ना जाए उनको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ऑयल केक यूज किया जाता है? नीम, सेसमम, ग्राउंडनट, महुआ ऑयल केक, या फिर नन ऑफ दीज। महुआ ऑयल केक की बात चल रही है बिकॉज कुछ बच्चे हमारे यूपी और बिहार से भी क्लास ले रहे हैं तो वो महुआ से कुछ और समझ जा रहे हैं, उसकी बात बिल्कुल नहीं चल रही है ना, ऑयल केक की बात चल रही है।
तो कौन से केक का ऑयल है जिसको आप यूज करेंगे? ये सब राइट आंसर लिख रहे हैं। राइट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? राइट आंसर विल बी डी, महुआ केक को यूज किया जाता है। डिस्क्रिप्शन लिखा गया है किस लिए करा जाता है। 53 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट इनलैंड वाटर रिसोर्स इन फॉर्म ऑफ ब्रैकिश वाटर? ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है ना तो ज्यादा खारा और ना ही फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश से थोड़ी सी ज्यादा सैलिनिटी हो और सेलाइन से थोड़ी सी कम सैलिनिटी हो। और इनलैंड का मतलब क्या होता है? जो विद इन द लैंड रिसोर्स है, जैसे हमारा ओशन जो है ना वो इनलैंड रिसोर्स नहीं है मेरे भाई, है ना, लैंड के विदिन अगर है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे इनलैंड रिसोर्सेज कहा जाता है। आंसर मिक्स आ रहे हैं, आंसर के साथ जाऊंगा तो यहां पे जो राइट आंसर आना चाहिए, आप बोलेंगे सर उड़ीसा नहीं आएगा। आएगा यार, बस स्पेलिंग को सही कर रहा था। ओ डी आई एस एच ए आना चाहिए, उड़ीसा विल बी द राइट आंसर। सबसे ज्यादा जो ब्रैकिश वॉटर इनलैंड रिसोर्सेज है वो उड़ीसा के पास है। यहां पे डेटा आपको दिया गया, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया, हाउ मच मॉइस्चर इज प्रेजेंट एट रोस्ट एज इन हनी टू बी कंसीडर्ड एज प्योर नेचुरल हनी? उसे प्योर नेचुरल कहा जा सके प्रोसेसिंग से पहले जब आप हार्वेस्ट करते हैं उसमें कितना मॉइस्चर होना चाहिए कि आप उसे प्योर का टैग दे सको? रीजन इज FSSAI ने रिसेंटली गाइडलाइन दी थी। क्या गाइडलाइन दी थी? वो गाइडलाइन दी थी कि इतने परसेंट से अगर बढ़ जाता है, ये सब लोग ठीक लिख रहे हैं, अगर 20% से ऊपर मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है रोस्ट स्टेज पे हनी के अंदर तो उसे प्योर नेचुरल हनी कंसीडर नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है एक ऐसी कंट्री में जो ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल हो, जहां पे आरएच ज्यादा हो, और आप जानते हैं हम उन्हीं कंट्री में से आते हैं तो हमारे लिए डिफिकल्ट है, बट गाइडलाइन दी गई है तो यहां पर राइट आंसर 20% से कम यानी कि 19% विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। सैक ब्रू डिजीज जो है हनी बी की, ये किससे होती है? इज कॉज्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज? हनी बी की बीमारियों की बात चल रही है, आपको पता ही होगा, एक पूछा गया था मस्कार्डिन डिजीज के बारे में। आजकल ना यार ये माइनर सब्जेक्ट्स का भी ट्रेंड चल गया है, तो इनके अंदर भी ये माइनर में तो है, तो एक प्रोटोजोअन डिजीज होती है आपकी, उसे नोजेमा कहा जाता है। नोजेमा सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। सारे डिजीज के नाम और उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा, सिम्टम शायद ना पूछे, बिकॉज सिम्टम तो पैथो से ही पूछेगा, लेकिन माइनर से पूछ सकता है कौन सी बीमारी किसकी है या कौन सी बीमारी किससे होती है। आंसर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर बात करूंगा किसकी, आपके सैक ब्रूट डिजीज की, तो आपको जाना चाहिए किसके साथ? फंगस के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सैक ब्रूट जो है वायरस से होने वाली है, तो आपको जाना चाहिए बी के साथ। बी इज राइट आंसर। बाकी डिटेल यहां पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी पोलन बास्केट इज फाउंड इन द हनी बी? आप जानते हैं हनी बी एक इंसेक्ट है, वो क्या करता है? वो नेक्टर को पोलन को कलेक्ट करता है, तो पोलन बास्केट जो है वो कहां पे होती है? किसके अंदर? हनी बी के अंदर। वो उसकी प्रो थोरेसिक लेग के अंदर होती है या मीजो थोरेसिक लेग के अंदर होती है, फिर मेटा थोरेसिक लेग के अंदर होती है? क्या लगता है आपको, ए बी और सी में से सही उत्तर क्या आएगा? बिकॉज डी और ई नहीं आएगा, ए बी और सी। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप हमारी क्लासेस लेते हैं तो ये उत्तर गलत नहीं होगा, बिकॉज ये वाला पार्ट वो पार्ट है जिसे प्रियंका मैम पढ़ाती हैं। आई डोंट नो इस वीडियो को देख रही होंगी कि नहीं देख रही होंगी, बट आप जानते हैं वो किस तरह से पढ़ाती है। क्या लगता है प्रियंका मैम की क्लासेस ले रहे हो, कैसा पढ़ाती हैं वो? आउट ऑफ 10 प्रियंका मैम की टीचिंग को क्या रेट करना चाहोगे? 7, 8 और 9? 7 तो शायद नहीं बोलना चाहिए था, 8, 9 और 10, बिकॉज 8 से बिलो अगर आप देंगे तो व्हाट विल कंसीडर के 0 ही हम उसे मानेंगे, बट आउट ऑफ 10 अगर हमें लगता है 10 आ रहे हैं तो दैट इज परफेक्ट, बट 9 भी आएंगे तो हम उसे इंप्रूव करना चाहेंगे। जो क्लासेस ले रहे हैं ना वो लोग जानते हैं मैम क्या पढ़ाती है, तो ऑफकोर्स आप इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। राइट आंसर यहां पे जो आएगा, थैंक यू सो मच, राइट आंसर यहां पे जो आएगा इट विल बी सी, मेटाथोरेसिक लेग। आप देख सकते हैं ये यहां पे मेटाथोरेसिक लेग है और इंडिकेट किया गया किसको? पोलन बास्केट को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर कहा गया, टू डिटरमाइन whether an organism with a dominant phenotype is homozygous dominant or heterozygous,
विच क्रॉस विल बी द मोस्ट प्रेफर्ड। आपने पढ़ा होगा कि हम उसमें एक डोमिनेंट फिनोटाइप का रेसेसिव फिनोटाइप से क्रॉस करवाते हैं, उसी की बात ये कर रहा है। जरा मुझे बता दीजिए ये डोमिनेंट का रेसेसिव का क्रॉस जो है उस क्रॉस को क्या बोला जाता है। राइट आंसर की बात करेंगे तो यस बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बी के साथ हमें जाना पड़ेगा। राइट आंसर विल बी टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 58 के साथ चलते हैं। Which among the following is film forming anti-transpirant? Anti-transpirant का मतलब वो क्या करेंगे, ट्रांसपीरेशन रेट को स्लो कर देंगे। अब ये फिल्म फॉर्मिंग है, ऊपर एक पतली लेयर एक फिल्म बना देगा और क्या कर देगा, ट्रांसपीरेशन रेट को कम कर देगा। राइट आंसर क्या आएगा, PMA, लाइम वॉटर, सिलिकॉन ऑयल, क्योलिन या फिर ऑल ऑफ दीज। अब मैंने प्रियंका मैम की रेटिंग ली है तो हमारे कृष्ण सर की भी रेटिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी जब एग्रोनॉमी और सोयल पढ़ाते हैं, पता नहीं मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं देखी वीडियो, जब मैं देखता हूं तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड, बट आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छे से देखते हैं। आफ्टर 10 क्या लगता है कृष्ण सर को क्या रेट करना चाहेंगे, 8, 9 और 10? बिकॉज 8 से बिलो जाएंगे तो हम उसे 0 कंसीडर करेंगे, बट मुझे लगता है कि बहुत एफिशिएंट है इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये वाला पार्ट अगर आपने उनसे पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर यहां पर क्या आएगा, राइट आंसर विल बी सिलिकॉन ऑयल। सी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है और 10 out of 10 की रेटिंग तो आप सही दे ही रहे हो तो पता ही है मुझे। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 59, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रॉसिंग ओवरटेक प्लेस इन, जो क्रॉसिंग ओवरटेक है वो किसके अंदर होता है भाई, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बाकी चीजों के बारे में थोड़ा सा बोल पा रहा था। ये वाला पार्ट है नहीं मेरा यार, मैं पढ़ाता नहीं हूं, तो ये आपका तो है, बिकॉज आप एज अ स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बेहतरीन नॉलेज आपके पास है। तो जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर कौन से टाइम पे या कौन से स्टेज में होता है, ये लेप्टोटीन है, जायगोटीन है, पैकेटिन है, या एनाफेज है, मेटाफेज है, ABCDE के साथ सही आंसर मुझे बता दीजिए। राइट आंसर क्या आएगा, मुझे खुद को नहीं पता इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। हाँ वैसे मैं नकल मार के बता सकता हूं, बिकॉज सब लोग सी लिख रहे हैं तो कोई चक्कर ही नहीं, आपको आंसर सी आएगा। ओके राइट आंसर की बात करेंगे, यस आंसर यहां पर क्या आएगा, राइट आंसर विल बी सी। 60 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ फिश, इनमें से कौन सी है जो फिश की बैक्टीरियल डिजीज है। अच्छी बात है कि इसका आंसर मुझे आता है है ना, क्योंकि ये वाला पढ़ा हुआ यार, वो वाला पढ़ाया ही नहीं है कभी। ओके बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहे हैं, फिशेज के अंदर अलग अलग बीमारियां होती हैं, उनमें से जो आपकी बैक्टीरिया से होने वाली है बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, फ्रूनोग्लोसिस, टेल रोट, किटोसिस, टिम्फनी या फिर बोथ ए एंड बी, ए बी सी डी ई। राइट आंसर बताइए क्या आएगा, इस पे आंसर्स कम आ रहे हैं बिकॉज ये हर किसी के लिए इजी क्वेश्चन नहीं है यार, ये वो क्वेश्चन है जिसको हमने रेटिंग 5 करी है और आपको पता ही है पहले आपने हमें रेटिंग 10 out of 10 करी है ना, तो आपको ऐसे गलत इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछने जाने से बहुत है, ए और बी जो लिखे गए दोनों ही अपने आप में बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, तो राइट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर विल बी ई। डिटेल यहां पे डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखा गया है, आप इसे चेक करिएगा। मैं राइट 3 बजे इसका PDF आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। टॉप 10 विनर्स को अनाउंस करने की बारी आ गई है, लेकिन 2 मिनट का वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई कह रहा है लव लिखा है, लव तो पढ़ लिया बट किसके लिए लिखा था इन्होंने, आप बता देता हूं, इन्होंने बोला, अरे यार चला ही गया यार, आपका लव बहुत ऊपर निकल गया, इतनी शिद्दत से आपने प्यार किया कि मैं पढ़ ही नहीं पाया कि आपने क्या लिखा। ओके विनर्स अनाउंस करते हैं, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। ओके कृष्णा सर के लिए किसी ने फीडबैक लिखा है, आई लव कृष्णा सर, बट क्या पता कृष्णा सर वो करते हो कि ना करते हो, किसी और को करते हो, है ना ठीक है, थैंक यू सो मच। विनर्स की बात करते हैं, हमारे आज के जो टॉप 10 है, क्या लगता है आपको आज के टॉप 10 में किनका नाम आने वाला है? सर हमने सारा क्वेश्चन किया था बट पढ़ने में लेट हो जा रहे हैं। देखिए पढ़ने में लेट हुए या किसी में भी लेट हुए, लेट तो लेट ही है। विनर्स अनाउंस करेंगे, 1 मिनट का टाइम दीजिए, टीम कैलकुलेट कर रही है टॉप 10 कौन आने चाहिए। हम बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेंगे, कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे, और डेफिनेटली साहिल जी हम और भी ऐसे सेशन लेके आते रहेंगे, बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि अगली बार मैं 2400 नहीं, मैं 3000 के प्राइस आपको देके जाऊं,
लेकिन मैंने आपको बता दिया जो भी इस वीडियो से रेवेन्यू आएगा मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को बताइए आपको क्या करना है, क्या करेंगे आप इस वीडियो को बताइए सारे लोग। यस राइट, वही जो आप समझ रहे हैं वही आपको करना है। और मैं ईमानदारी से आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा अगली बार कितना रेवेन्यू आया है, और ये वाला मैं आपके सामने सभी को डिस्ट्रीब्यूट करके जाऊंगा। और मैं झूठ ना बोलूं इसके लिए जिन जिन को प्राइस देके जाऊंगा उनका वीडियो भी आप लोगों को टेलीग्राम पे देके जाऊंगा, वो खुद बताएंगे कि मेरा ये नाम है और मुझे ये प्राइस मिला हुआ है। अभिषेक दुबे जी थैंक यू सो मच, एग्जैक्टली आप सही लिख रहे हैं। ओके, टॉप 10 के नेम मेरे पास आ गए हैं, अब बता देते हैं टॉप 10 कौन है। पहले मैं पढ़ लेता हूं। ओके, इनका नाम ठीक है। ओके 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 शिव रमा शिव। ओके ठीक है, पहले मैं फर्स्ट और सेकंड के बताता हूं। फर्स्ट है हर्षिता अग्रवाल, हर्षिता अग्रवाल फर्स्ट रैंक है, लेकिन प्राइस क्लेम करने के लिए आपको इसी नाम का आधार कार्ड भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और आपको पता ही है आप अपना आधार कार्ड और ये जो जो आपका प्राइस बनी है क्लेम करने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9520902000 है। मैसेज आप आज करेंगे लेकिन हम कल रिप्लाई करेंगे। रीजन इज आज यार कोई है ही नहीं, छुट्टी पे है सब लोग, तो कल आएंगे, मैं कल सभी को भेज दूंगा। आप बस एक छोटा सा वीडियो और आधार कार्ड भेजिएगा। हर्षिता अग्रवाल हमारा हमारी फर्स्ट विनर है। सेकंड भी हमारी विनर जो है फीमेल ही है, शी इज निहारिका पांडे। निहारिका पांडे सेकंड रैंक है, हर्षिता अग्रवाल फर्स्ट रैंक है। उसके बाद लास्ट जो 8 है जिन सभी को 2200 कैश प्राइज है उनके नाम बता रहा हूं। थर्ड इज भावी श्रीवास्तव, फोर्थ को शायद नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑप्टिमिस्टिक शिवानी लिखा गया है। अब ऑप्टिमिस्टिक वर्ड तो आधार कार्ड में नहीं होगा, तो प्लीज अपने नेम आधार कार्ड से मैच कीजिए। स्टिल वेरिफिकेशन की प्रोसेस के साथ जाऊंगा, वेरीफाई हो गया तो दे दूंगा। नेक्स्ट वन योगेंद्र नागर, योगेंद्र नागर जी। उसके बाद है शिवम पांडे, शिवम पांडे जी। उसके बाद मनीष जी है, उसके बाद है रूपा मंडला, राइट रूपा मंडला। उसके बाद है योगेश शर्मा, शिवानी चौधरी, एंड फिर है बालाजी मेहर। ओके, जो भी नाम मैंने बोले हैं मेक श्योर कि आप आधार कार्ड के साथ क्लेम करेंगे यार, ऐसे नहीं करेंगे। फर्स्ट लेक्चर का पीपीटी टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, उसके लिए वेट कर लो बिकॉज उस पीपीटी के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन ऐड ही नहीं किया था। मैं पहले ऐड करवाता हूं तब दूंगा, लेकिन ये वाला आपको राइट 3 बजे इस पीपीटी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए। आज का जो हमारा सेशन था इसके लिए भी जरा बता दीजिए सेशन आपको कैसा लगा, और कोशिश करिए कि अपने फीडबैक जो होते हैं कुछ ऐसे जो काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट वाले उनको नीचे वाले कमेंट बॉक्स में लिखा करो, बिकॉज लाइव चैट नहीं देखी जाती बट बाकी देखे जाते हैं। तो मैं अगली बार जब आपके सामने आऊंगा, अब थोड़े दिनों के बाद आऊंगा, आज संडे था मुझे लगा अच्छा मौका आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, मैं आ गया हूं, बट मंडे टू फ्राइडे फिर से बिजी हो जाएगा। बट कोशिश करूंगा जैसे ही टाइम मिलेगा डेफिनेटली आपके सामने फिर से आ जाएंगे। अगली कक्षा कब मूड बनेगा तब। हाँ यार आपको पता है भाई ये इंपॉर्टेंट है यार, टाइम होना चाहिए ना। हम भी आंसर दिए थे सब, दीपाली जी परेशान नहीं हो, आप ही कारण हम सब कुछ है। अगली बार आपका नाम आ जाएगा, मैंने ऐसा कहा था कि जो टॉप 10 इनके नाम हम रिपीट नहीं करेंगे, तो पिछले 10 को मिले थे आज 10 को मिले, अगली बार और मिल जाएंगे। तो बस ऐसा कीजिए आप हमारे साथ बने रहिए, 100 सेशन हम ले लेंगे, 100 सेशन में हर बार 10-10 को मिलेगा तो आपकी भी बारी आएगी। बस करना है तो क्या, निरंतरता, डिटर्मिनेशन, आत्मविश्वास और आपका वो जिसे कंसिस्टेंसी कहते हैं लगातार प्रयास बनाए रखना, बस उनको बना के रखिए, एक ना एक दिन मंजिल आपको भी जरूर मिलेगी। मैं मिलूंगा आपको आपके नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग। जय हिंद जय भारत।